इसे भी साफ कर दूंगी, बस मैं अभी साफ कर दूंगी। व्योम, खीरा खाओ। खाना खत्म भी हो गया ना, खीरा खाओ। मालपुआ, मालपुए मौसा, आपको तो पता है ना मेरे सबसे फेवरेट हो। मासा, मैंने फर्श फुफासा, वासा और बरांडा बुआसा सब अच्छे से साफ कर लिया, और देखो हमारे हाथ भी साफ है। बुलबुल, ये बाई जी। जी, खाने का समय खत्म हो गया है, ये झूठे बर्तन और जो भी बचा खाना है ना वो रसोई में संभाल के रख लो। एक मिनट से लक्ष्मण, अभी बुलबुल ने खाना नहीं खाया भाई। लगता है 3 साल में इस घर के सब लोग घर के नियम भूल गए। कोई बात नहीं, मैं याद दिला देती हूँ, जो काम यहाँ समय से शुरू होता है ना वो समय से ही खत्म होता है। और घर का ये नियम घर के सभी लोगों पर लागू होता है, चाहे वो पुराने हो या फिर नए। वैसे भी मारे को तो इतनी सी भी भूख नहीं है। ले, अठे। सुलच्छु माँ। अरे सुलच्छना, अठे क्यों सो गई भाई? चल अंदर चल, कमरों में चल के सो। नहीं, वो इतने सालों के बाद आई ना तो इस कुर्सी पर बैठी अच्छा लग रहा था, थोड़ी आंख लग गई। आज मैं थोड़े वास्ते कुछ लेके आया हूँ। तो आप ही बता दो कि क्या लेकर आए हो। ये देख, जयसवाल के यहाँ की मावा बर्फी, तने बहुत पसंद है ना। साथ में ये भी बता दो कि बाप बेटा क्या मनवाना चाहते हैं मुझसे। पत्रकार साहब, पकड़ लिया। 35 साल हो गए हमारी शादी को, 3 साल सिर्फ आपसे दूर रही हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था, कोमा में थी, याददाश्त नहीं गई है मेरी। जानती हूँ जब मुझे मनाना हो या अपनी कोई बात मनवानी हो तो आप यही तरीका अपनाते, बिल्कुल बदले नहीं हैं। तो बता ही दीजिए ना क्या बात मनवानी है। बुलबुल बहुत अच्छी लड़की है सुलक्षणा। जब से वो इस घर में आई है बिंदड़ी बन के, उसने इस घर की, इस परिवार की हमेशा भलाई सोची। और मानू मैं कि वो छोटी बेचारी उम्र में छोटी है, लेकिन बहुत बहादुर, बहुत समझदार, बहुत श्रेणी छोरी है वो। पर माँ, बुलबुल थोड़ी छोटी है तो हो सकता है घर संभालने की जिम्मेदारी इतनी जल्दी ना उठा पाए, लेकिन अगर आप 18 की थी जब इस घर में शादी करके आई थी,
और तूने तूने शायद बातों बातों में बताया था कि वो 19 साल की है। 19 साल की उम्र छोटी नहीं होती, और वैसे भी गृहस्थी संभालने के लिए उम्र से कोई लेना देना है ही नहीं। गुण, काबिलियत और नियत, इनसे संभाली जाती है गृहस्थी, और ये तीनों गुण मुझे फिलहाल उस लड़की में दिखाई नहीं दे रहे। पर तू एक बात समझ ले सुलक्षणा, ये बुलबुल इस घर की बींदड़ी बन चुकी है। वीर की पत्नी है वो, इस घर की बींदड़ी नहीं बनी है। इस घर की बींदड़ी बनना अभी बाकी है। अगर उसे मेरा आशीर्वाद चाहिए और इस घर की बींदड़ी बनना है ना, तो उसे अपने आप को एक अच्छी बहू साबित करना होगा। ये क्या बात है ना, ये ठीक ना? यही ठीक है, मेरे लिए भी और इस घर के लिए भी। दीजिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि मुझे अंदर जाकर आराम करना चाहिए। आप इसे संभाल कर रखिए, मुझे मनाने में काम आएगा अगली बार। मैं चली जाऊंगी। अब क्या करेंगे पापा? तुम्हारी माँ बहुत सालों के बाद अस्पताल से घर लौटी है, उसे ज्यादा तनाव नहीं दे सकते। खाटू श्याम जी, हमारी सासू माँ तो हमारी माँ के बनाए चटोराचार के गुठली से भी ज्यादा कड़क है। हमारे को तो उनसे बहुत डर लग रहा है, अब मैं उन्हें मनाऊँ कैसे? पेट भाई साहब, हमारे को पता है आपको भूख लगी है, लेकिन अभी थोड़ा रुक जाओ, गुड़गुड़ मत करो, मैं कुछ जरूरी सोच रही हूँ। छानीदार साहब, भूख लगी है? हाँ, भूख? नहीं, नहीं लगी। क्या सोच रही थी? मैं यही सोच रही थी कि मुझसे कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन फिर भी मुझसे गड़बड़ हो जाती है, मैं क्या करूँ? मैं आज भी पता है मैं कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, लेकिन फिर वानी जी को ऐसे देख के मैं कैसे नहीं निकलती, आप ही बताओ। फिर मैं इतने जोर का भागी और फिर पाइप भाई साहब फूट गए, और उसके बाद वो गुलदस्ता जी जी पे टू। मैं भूख लगी थी, खाओ। आप ये क्यों लेके आए? मासा ने देख लिया तो? मैं मालपुए पसंद है ना, मैंने पुष्कर में देखा था, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पेट का गुस्सा पूरे घर पर निकले। नहीं तो? लो खा लो, ये लो। इतना ध्यान रखते, ये लो और भी है, आराम से खाओ। थैंक यू। और मैं ओके, पर आप ही बताओ, मैं हानी चाची को अकेला कैसे छोड़ देती? उन्हें चोट लग जाती तो? थैंक यू बुलबुल। एक टाइम था हमारे पूरे परिवार की जान बसती थी वानी में, वो पूरे घर में इधर से उधर बस भागती दौड़ती रहती थी। उदास होती थी तो मनाते थे, खाना नहीं खाती थी तो पूरा घर खाना नहीं खाता था। और फिर अब वानी को ऐसे इस कमरे में बंद हम सबसे दूर देखकर बड़ा दुख होता है। कितना वक्त हो गया वानी ने ना कोई खुशी देखी, ना कोई त्योहार, ना कोई जश्न, बस अपने आप में उसी कमरे में बंद रहती है। और आज तुम्हारी वजह से उसको इतनी जोर से मुस्कुराते हुए, दिल खोल कर खिलखिलाते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बिल्कुल। इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है? मारे को तो वैसे भी बारिश बहुत पसंद है, जब वो गड्ढे में पानी भर जाता है ना, उसमें ऐसे हाथ करके चपक चपक चपक।
आपको लग गए, दिखाइए। अच्छा तुम बता तो दो, वो तुम सुबह क्यों कह रही थी तुम माँ के पास वापस घर पुष्कर जाना चाहती हो? वो तू नाबालिग है बुलबुल, तू नाबालिग है बुलबुल, तू 19 की ना, तू 19 की ना, 17.5 साल की, 17.5 साल। नाबालिग लड़की की शादी कराने के आरोप में सबको सजा मिलेगी, थारे कंवर साहब की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। अब हमारी माँ की बात छोड़िए ना, आपकी माँ सा कितने सालों बाद आई है, आप उनके पास जाइए, उन्हें आपकी जरूरत होगी ना। ठीक है, जब तुम्हारा मन करे तब बता देना, और ये पकड़ो, इसे याद से खा लेना, भूख लगी है ना। कैसे बताऊं कि मैंने मायके जाने के मन से ज़्यादा वहाँ जाने की मजबूरी है, जितने दिन मैं यहाँ रहूँगी उतने दिन मारे नाबालिग होने के सच के बाहर आने का खतरा बढ़ता जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो सज़ा थानेदार सा और हमारे सासरे में सबको मिलेगी, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। ले भाई ले। वायु मामू, खुद का राइस खुद चलाओ ना, और इतना भी लेजी मत बनो। सिक्स। आ जाओ सब लोग, खाना तैयार है। खेल खत्म, पीछा आ जाओ। अरे पापा आगे गेम खेलना था। अरे चल आ जा। अरे यार चीटिंग करते हैं। कोई चीटिंग ना, थारी माँ आ गई। चलो पापा। हाँ बस थोड़ी देर में निकलूंगा। नाइट ड्यूटी? जी। आजा फटाफट बैठ के खा ले। ओहो बताओ, शादी के पहले ही हफ्ते नाइट ड्यूटी, आपके यही हाल रहे ना तो नई नवेली दुल्हन छोड़ के भाग जाएगी, फिर करते रहना नाइट ड्यूटी। पहली वाली भी तो भाग ही गई थी। सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। खुशबू आ रही है कि नहीं? आज मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है सबके लिए। 3 साल की कसर तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी सबकी पसंद की एक एक चीज जरूर बनाई है। तुझे मशरूम पसंद है ना? जी। वीर भाई के लिए बस स्पेशल बनाया है। तेरी पसंद का पनीर भी बनाया है, देख उधर रखा, ले ले। और पनीर विशेष को भी दे दे, उसे भी पसंद है। जल्दी से खा लेती हूँ वरना अभी भी खाने नहीं मिलेगा। बुलबुल सुनो, घर की बिंदनी मेज पर बैठकर पहले खाना नहीं खाती, पहले सबको परोसती है। अब
अरे नहीं, बैठी रहे बैठी रहे, ऐसे खाने से नहीं उठते बेटी। ऐसा है सुलक्षणा कि पिछले 3 साल से तू अटे थी ना, और बुलबुल बिंदनी तो अभी आई है, और घर में कोई बड़ा बूढ़ा भी ना था जो इसे समझा सके कि घर के नियम क्या है। धीमे धीमे सीख जाएगी। मायके से सब कुछ सीख कर आना चाहिए। सासरे में सासरे के हिसाब से ढलना पड़ता है, और 19 साल की उम्र कोई छोटी नहीं होती। तुझे पसंद है ना ये? तेरे लिए बनाया, चल मैं खिलाती हूँ। बुलबुल लाओ, मुझे दे दो। लाओ। वो मारा फोन, मैं देखती हूँ। गुड़ की डेली? वो मैं मेरी माँ को गुड़ की डेली बुलाती हूँ ना, उनका फोन है। गीता का फोन है? लाओ मुझे बात करो, मुझसे बात कराओ गीता की। फोन लेकर आओ। हेलो, कैसी हो गीता? समदन सा, खंभा गणी समदन सा, मारे को बताया बुलबुल ने कि आप खाटू श्याम जी की कृपा से स्वस्थ होके वापस घर आ गए हैं। अच्छा, सासरे की रपट मायके तक पहुंचाने में बिंदी ने जरा भी देर नहीं लगाई। बातें करने के अलावा और क्या क्या सीखा है हमारी बेटी ने? तुम तो जानती हो ना गीता, बींदनी के 3 श्रृंगार, मर्यादा मर्यादा, परवरिश परवरिश, और अच्छे संस्कार अच्छे संस्कार। और गीता, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी बेटी मेरी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मायके में उसकी माँ ने उसे ये नहीं सिखाया है, तो सासरे में उसकी सास उसे सिखा देगी, लेकिन अपने तरीके से। समदन साहब, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल आपको शिकायत का कोई मौका ना देगी। चल मैं रखती हूँ गीता। इस छल्ले की जिम्मेवारी थारी। वाली ये पापा साने मारे को दिया था, इस पे आपका ही हक है। वैसे भी ये जिम्मेदारी हमारे लिए काफी बड़ी है, आप इन्हें वापस रख लीजिए।
अगर इन्होंने घर की जिम्मेदारी और ये चाबियां तुम्हें सौंपी हैं, तो कुछ सोच समझ कर ही सौंपी होंगी। रख लो, मुझे वापस नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इन चाबियों के लायक बन के दिखाओ। लेकिन दादी, ये छल्ला तो आपने कभी मेरी मॉम को भी नहीं दिया। वो क्या है ना बेटा, कि एक घर की औरत जो है ना, वो अपनी जिम्मेदारियां और घर की चाबियां अपनी बहू को तभी सौंपती हैं जब या तो वो थक गई हो या रिटायर होना चाहती हो। मैं ना तो थकी हूँ और ना ही रिटायर होना चाहती हूँ। मैं बस इतना देखना चाहती हूँ कि इन चाबियों का भार उठाने का दम तेरी चाची में है भी कि नहीं।